का वक्त है। मैं हूं आपके साथ आशीष। पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार जारी है। मीणा सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होती तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। इन सबके बीच संत समाज और जनप्रतिनिधियों भी किरोड़ी के समर्थन में पहुंच चुके हैं। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार जारी है। धरने पर बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा भी मैदान में किरोड़ी लाल मीणा के साथ डटे हुए हैं। रविवार को हिंडोली के संत महामंडलेश्वर सचिदानंद गिरी महाराज, नैनवा पंचायत समिति के प्रधान पदम कुमार भी धरने पर पहुंच गए। पेपर लीक मामले में किरोड़ी लाल मीणा की मांग का समर्थन किया। बुधवार को गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने मामले में किरोड़ी को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने ऐलान कर दिया है कि चाहे ओले पड़े या लाठियां, बिना सीबीआई जांच की मांग के वो धरने से हटेंगे नहीं। जिन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, चाहे सरकार कुछ भी करे, या ओले पड़े, या तूफान आए, आंधी आए, जमीन हले धसे, गोली चलाए, लाठी चलाए, जेल में डालें, हम हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारा वांछित परिणाम हमको नहीं मिल जाए। संतों का आशीर्वाद मिल जाना ये इस आंदोलन की बड़ी उपलब्धि है। और पहले तो हमारे प्रतिपक्ष के एमएलए आए थे, लेकिन कल सत्ता पक्ष के विधायक भी आए और इस बात का आश्वासन देके गए कि मैं इस मामले को विधानसभा में उठाऊंगा। ये गंभीर मामला है। राज्य के बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी नहीं होनी चाहिए, उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होना चाहिए। अब जरा इस तस्वीर को भी गौर से देख लीजिए, क्योंकि शनिवार को कांग्रेस विधायक हरीश मीणा भी धरने पर पहुंचे थे। धरना स्थल पर किरोड़ी मीणा और हरीश मीणा के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। किरोड़ी लाल मीणा ने हरीश मीणा को भी युवाओं के लिए धरने पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, तो हरीश मीणा ने भी ये कह दिया कि युवाओं के साथ वो हर मुद्दे पर खड़े हैं। जाहिर है किरोड़ी की इस मांग को अब हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। शनिवार को प्रदेश प्रभारी ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, तो किरोड़ी लाल मीणा ने इसे भी मुद्दा बनाया और कहा कि सत्ता पक्ष भी उनके साथ है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जिन लोगों ने अभी कोई कह देता है कि क्लीन चिट दे दी, कोई क्लीन चिट नहीं, जो भी इसमें आएगा उसको सजा पूरी दी करेंगे। रंधावा जी ने भी बोला कि कोई क्लीन चिट दे वो हमें स्वीकार्य नहीं है, किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही जो धरना स्थल पर गृह राज्य मंत्री माननीय राजेंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने भी यही कहा था, कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो, हम उसको पकड़ेंगे, इसमें बड़े व्यक्ति हैं। पेपर लीक मामले में किरोड़ी लाल मीणा को देखकर ऐसा लगता है कि अब उन्होंने सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए हठयोग का सहारा ले लिया है। हिंडोली के संत सचिदानंद गिरी महाराज ने भी युवाओं की इस मांग पर किरोड़ी लाल मीणा को साफ कहा है कि संत समाज उनकी मांगों के साथ खड़ा है। जैसे डॉक्टर साहब है, जहाँ न्याय का गला घोटा जाता है और अनीति अन्याय होता है, उसी के साथ डॉक्टर साहब खड़े हैं। और डॉक्टर साहब ऐसी ठंड में जहाँ बरसात हो रही है, इतनी बड़ी त्याग तपस्या डॉक्टर साहब की है, हम संत समाज भी डॉक्टर साहब को प्रणाम करते हैं कि आप भी तपस्या की त्याग की मूर्ति हो और हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा संत समाज आपके साथ है। युवा साथी है, उनके साथ खिलवाड़ बार बार हो रहा है। इसी साल में कितनी बार घटना हो चुकी है, और हमारे डॉक्टर साहब के साथ, हमें माननीय डॉक्टर साहब के साथ, हम जी जान करके कोई भी मौसम हो उसमें हम सब युवा उनके साथ हैं। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने अब आर पार का मन बना लिया है। किरोड़ी मीणा सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 95% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा हठयोग पर अड़ गए। जाहिर है ऐसे में जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो किरोड़ी का ये दांव कहीं सत्ता पक्ष के लिए गले की हड्डी ना बन जाए। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।